तो दोस्तों एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैक बोर्ड की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 का नया रूटीन जारी कर दिया गया है। बच्चों इस बार मार्कशीट पर एग्जाम्स नहीं होंगे, केवल उत्तर पुस्तिका पर ही एग्जाम्स लिए जाएंगे। तो कई सारे बच्चों का ये भी डाउट है कि सर एग्जाम में बहुकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे उसका उत्तर जो है उत्तर पुस्तिका पर किस प्रकार से देने हैं। यानी दोस्तों आज की इस वीडियो में आपकी परीक्षा रूटीन में क्या बदलाव किया गया है, परीक्षा टाइमिंग क्या रहने वाला है और आपके एग्जाम किस प्रकार से होंगे, कंप्लीट जानकारी मैं आपको ए टू जेड बताने वाला हूं। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करते जाइएगा। और बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लेंगे। तो देखिए बच्चों आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं जैक बोर्ड की तरफ से जो है यह ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, जो आपका यहां देख सकते हैं ये जो है दिया गया है कि वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना, यानी कि आपकी एग्जाम किस प्रकार से संचालित किए जाएंगे, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, टाइमिंग क्या रहेगा, टोटल चीज यहां पे जानकारी दी गई है। देखिए बच्चों आप यहां पे विज्ञप्ति संख्या भी देख सकते हैं और आगे क्या कुछ लिखा है इसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा। देखिए बच्चों यहां पे दिया गया है कि विज्ञप्ति संख्या 62/2023 यानी जो आपका परीक्षा का रूटीन का विज्ञप्ति संख्या था उसमें बदलाव किया गया है। लिखा है कि वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों, संबंधित विद्यालय महाविद्यालय के प्रधानाध्यापकों, प्राचार्यों, संबंधित पदाधिकारियों एवं सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्राप्तांक 3184 दिनांक 29/11/2023 के माध्यम से वर्ष 2024 के वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के स्वरूप में परिवर्तित किया गया है। यानी कि आपकी जो परीक्षा है वो उसमें काफी बड़ा बदलाव किया गया है। इस बार बहुकल्पिक प्रश्न तो पूछे जाएंगे लेकिन मार्कशीट पर एग्जाम्स नहीं लिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट को भी दर्शाया गया है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि वर्ष 2024 की माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक ही टर्म में आयोजित की जाएगी। वर्ष 2024 की माध्यमिक यानी कि मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में बहुकल्पिक प्रकृति के 30% अंकों के प्रश्न होंगे। यानी कि दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा जो कि 30 अंक के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्तों आगे लिखा है कि लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय आदि प्रकृति के 50% अंकों के प्रश्न तथा शेष 20% अंकों के जो है आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित किया गया है। यानी दोस्तों मैं इस बार पैटर्न को एक बार फिर से मैं बता दूं तो आप यहां पर समझें कि 30 अंक का, जी हां दोस्तों 30 अंक का जो है आपके बहुकल्पिक यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 अंक का दोस्तों आपका सब्जेक्टिव, जिसमें कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है शामिल होंगे। साथ ही बच्चों 20 अंक का जो है इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आपको स्कूल और कॉलेज से दिया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका टोटल जो है 100 अंकों का एग्जाम होने वाला है और साथ ही दोस्तों आपको जो है एग्जाम जो है 80 अंकों के देने हैं, यानी 30 अंक का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी जो है आपके उत्तर पुस्तिका पर ही आंसर देने होंगे। तो बच्चों को काफी सारा यहां पे जो है कंफ्यूजन हो रहा है, बच्चे काफी ज्यादा डाउट में हैं कि ये 30 अंक का जो ऑब्जेक्टिव होगा तो उत्तर पुस्तिका में इसका आंसर हम किस प्रकार से देंगे। तो देखिए बच्चों यहां पे आगे जो है साफ साफ बताया गया है कि बहुकल्पिक प्रश्नों के 4 विकल्प ए बी सी डी जो कि सही उत्तर के चयन हेतु दिए जाएंगे। यानी कि आपके जो है 4 विकल्प ए बी सी और डी, ये 4 रूप में जो आपको दिए जाएंगे और इसमें से जो सही विकल्प होगा उसके साथ साथ जो है उनमें अंकित उत्तर को भी उत्तर पुस्तिका पर लिखना आवश्यक होगा। यानी दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 1 दिया गया है, आप यहां पर समझे। तो चलिए आगे यहां पे देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को समझे। तो देखिए दोस्तों यहां पे जैसे सवाल दिया गया है कि उल्टा दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण का जो है, उत्तल दर्पण का द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है तो ये क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, तो यहां आप लिखेंगे प्रश्न संख्या 1 का, ठीक है, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर ऐसे करके लिखेंगे और उसके साथ में लिख देंगे ऑप्शन यहां पे ए जो होगा, इस ऑप्शन को लिख के उसके बाद यहां पे लिख देंगे कि ये जो है उल्टा होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको उत्तर पुस्तिका पर देने हैं। आगे यहां पे लिखा है कि लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका आंसर जो है, जो भी आपका आंसर होगा उसका जो है यहां पे ऑप्शन देकर जो है उस आंसर को भी यहां पे लिखने होंगे। इस प्रकार से आपको उत्तर पुस्तिका पर लिखने हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे यहां पे देखिए, कुछ पॉइंट को भी दर्शाया गया, आगे भी समझ लीजिए।
तो देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है कि यदि प्रश्न का उत्तर जो है एक सी होगा, ठीक है, प्रश्न संख्या जो है एक है उसका उत्तर अगर सी होता है तो परीक्षार्थी को उत्तर पुस्तिका के प्रश्न संख्या एक देकर इसके जो ऑप्शंस होंगे उसका जो है ऑप्शन देना है, और जो आपके आंसर दिए जाएंगे जैसे कि PQR आंसर है तो PQR आंसर के रूप में जो है उत्तर लिखना आवश्यक होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको जो है आंसर के साथ आप लोग को उत्तर प्रश्न उत्तर के साथ मैंने आपको बताया है। आगे बच्चों लिखा है कि परीक्षा स्वरूप के लिए उक्त परिवर्तन के आलोक में परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 एक ही टर्म में अर्थात जो है माध्यमिक परीक्षा का संचालन प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के माध्यम से तथा इंटरमीडिएट परीक्षा का संचालन 24 पृष्ठों की सादी उत्तर पुस्तिका के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यानी दोस्तों मैट्रिक वालों का जो संचालन होगा उसमें प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका दिए जाएंगे और इंटरमीडिएट वालों का जो एग्जाम होगा उसमें जो है 24 पृष्ठों के जो है यानी 24 पेज का जो है सादी उत्तर पुस्तिका दिए जाएंगे। देखिए बच्चों आगे यहां पे लिखा है कि पूर्व निर्धारित ओमार शीट के माध्यम से निर्धारित परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया तत्काल जो है प्रभाव को रद्द कर दिया गया है, यानी कि दोस्तों यहां पे जो है ओमारशीट की परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है, ओमारशीट के एग्जाम्स नहीं होंगे। देखिए बच्चों यहां पे पॉइंट आगे दर्शाया गया है कि परीक्षार्थी जो है बहुकल्पी के प्रकृति यानी कि एमसीक्यू की जो सवाल पूछे जाएंगे, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय आदि प्रकृति के प्रश्नों के उत्तर परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका यानी कि माध्यमिक परीक्षा के लिए एवं सादी उत्तर पुस्तिका जो कि इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए जो अंकित करेंगे, यानी कि दोस्तों यहां पे जो है मैट्रिक स्टूडेंट है या इंटरमीडिएट के साइंस कॉमर्स आर्ट्स के स्टूडेंट है सभी को जो है वह उत्तर पुस्तिका दिए जाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं यहां पे साफ साफ लिखा है कि जो मैट्रिक वाला होगा उसमें प्रश्न सा उत्तर पुस्तिका होगा, यानी कि आपके कॉपी में ही प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है उसमें जो है उसका सिर्फ सादी प्रश्न पूछे सादी उत्तर पुस्तिका दिया जाएगा, यानी कि क्वेश्चन पेपर जो है अलग से हो दिया जाएगा और उत्तर पुस्तिका जो है अलग से दिए जाएंगे। दोस्तों आगे लिखा है कि अर्थात परिषद द्वारा प्रश्न सा उत्तर पुस्तिका या सादी उत्तर पुस्तिका ही उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें प्रश्नों का उत्तर अंकित करना अनिवार्य होगा। साथ ही बच्चों अब हम लोग समझते हैं कि आप लोगों की जो परीक्षा का रूटीन है वो किस में बदलाव किया गया है, यानी कि इस बार जो है आपकी जो परीक्षाएं होंगी उसमें टाइमिंग क्या रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि आपकी 6 फरवरी से जो है आपका एग्जाम्स होने वाला है, 6 फरवरी से जो है आपका एग्जाम्स होगा और 26 फरवरी तक आपका एग्जाम जो है चलने वाली है। तो देखिए बच्चों यहां पे देखिए पहले जो है रूटीन जो जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि मार्कशीट का एग्जाम्स अलग होगा और आपकी उत्तर पुस्तिका की एग्जाम जो है अलग होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अलग अलग एग्जाम्स होंगे। फिर बाद में बदल दिया गया है कि अब जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का एग्जाम जो है उत्तर पुस्तिका पर ही लिया जाएगा। तो देखिए बच्चों पहले जो टाइमिंग दिया गया था 9:45 से लेकर 1:05 PM तक जो है जो आपके एग्जाम्स होंगे, तो 3 घंटे का समय इसमें बताया गया है। तो दोस्तों उसमें क्या है बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जो ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम्स है ना उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है, अब जो है नया टाइमिंग जो है सेट किया गया है, अब नया टाइमिंग आपको देखने को मिलेगा, यानी कि दोस्तों 9:45 से लेकर 1 PM तक जो है आपका लगातार जो है तीन घंटे का, ठीक है, लगातार 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा, जो कि सारे जो है एग्जाम जो है आपके जो है क्वेश्चन आंसर बुकलेट यानी कि उत्तर पुस्तिका पर ही दिए जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों यहां पे जो है ना आपका टाइमिंग भी आपको दिया जाएगा, यानी कि 15 मिनट का, ठीक है, 15 मिनट का जो है अतिरिक्त समय आप लोगों को यहां पे मिलेगा आपकी उत्तर प्रश्न पुस्तिका पढ़ने के लिए। ठीक है, अरे प्रश्न पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय यहाँ पे दिया जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया है कि किस प्रकार से अब आपकी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, टाइमिंग क्या रहने वाला है और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर आपको जो है उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार से देने हैं, सारी चीजें को मैंने आप लोगों को बारीकी से बताया है। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है, इसलिए अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार के आपको अपडेट और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी का वीडियो जो है लगातार मिलती रहे। चले बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं तब तक जय हिंद वंदे मातरम।